दोस्तों आज हम जानेंगे एक ऐसे बर्ड के बारे में जिसकी गिनती दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट बीक्स ऑफ बर्ड्स में होती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे बार-टेल्ड गॉडविट के बारे में। बार-टेल्ड गॉडविट जो ज्यादातर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पाए जाते हैं, और बार-टेल्ड गॉडविट ज्यादातर ग्रासलैंड, मरीन इंटरटाइडल और वेटलैंड्स के यहाँ पर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में गॉडविट की दो प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, बार-टेल्ड गॉडविट और ब्लैक-टेल्ड गॉडविट। और ब्लैक-टेल्ड गॉडविट को नीदरलैंड का नेशनल बर्ड माना गया है, और पूरी दुनिया में दोनों ही प्रजाति को पहचानना मुश्किल है। बार-टेल्ड गॉडविट की पूरी दुनिया में तीन प्रकार की उप प्रजाति पाई जाती है, और बार-टेल्ड गॉडविट एक सर्वाहारी प्राणी है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। और बार-टेल्ड गॉडविट ज्यादातर इंसेक्ट, सीड्स, बेरीज, स्नेल्स और वर्म्स को कंज्यूम करते हैं, और बार-टेल्ड गॉडविट का शिकार ज्यादातर बिगर बर्ड्स करते हैं। बार-टेल्ड गॉडविट को दुनिया का सबसे हाईएस्ट माइग्रेटरी बर्ड और नॉनस्टॉप फ्लाइट बर्ड माना गया है। और बार-टेल्ड गॉडविट ज्यादातर ग्रुप्स में पाए जाते हैं जिनके ग्रुप्स को फ्लॉक्स कहते हैं। बार-टेल्ड गॉडविट बर्ड ज्यादातर ब्रीडिंग आर्कटिक कोस्ट और टुंड्रा के यहाँ पर करते हैं जो ओल्ड वर्ल्ड में है। और फीमेल बार-टेल्ड गॉडविट बर्ड जिसका प्रेगनेंसी पीरियड 3 हफ्तों का होता है, और ठीक 3 हफ्ते के बाद वह तकरीबन 2 से लेकर 4 अंडे देती है, और ठीक 20 से 22 दिन के बाद उन अंडों में से बेबी चिक्स बाहर आते हैं, और उन चिक्स की देखभाल मेल और फीमेल गॉडविट दोनों ही करते हैं, और उन चिक्स को सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए तकरीबन 2 से 3 साल लगता है। वैज्ञानिकों का मानना क्या है कि आने वाले भविष्य काल में बार-टेल्ड गॉडविट की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इंसान की वनों की कटाई, प्रदूषित वातावरण और शिकारियों की वजह से। और बार-टेल्ड गॉडविट की गिनती दुनिया के सबसे हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स में 9वें नंबर पर होती है, जो जमीन से लेकर आसमान तक 20,000 फुट ऊंची उड़ सकती है। और पहले नंबर पर रूपेल्स वल्चर और दूसरे नंबर पर कॉमन क्रेन है। और बार-टेल्ड गॉडविट बर्ड तकरीबन 63 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकती है। बार-टेल्ड गॉडविट की लंबाई तकरीबन 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है, और मेल गॉडविट का वेट तकरीबन 200 से 400 ग्राम का होता है, और इसके विपरीत फीमेल गॉडविट का वेट तकरीबन 200 से 600 ग्राम का होता है। और गॉडविट की विंगस्पैन की लंबाई तकरीबन 60 से 80 सेंटीमीटर की होती है। और वैज्ञानिकों का मानना गया है कि बार-टेल्ड गॉडविट सिर्फ 35 साल तक ही जी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। एंड यस फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।